हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार। तो मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो लाल मिर्च ली है। ये बिल्कुल अच्छी ताज़ी मिर्च है जिसे हमने 5-6 घंटे धूप में सुखा कर ले लिया है। और हमने कुछ मसाले लिए हैं, जो साबुत धनिया है 1 बाउल हमने साबुत धनिया लिया है, और 1 बाउल हमने सौंफ लिए। इन दोनों चीज़ों को तैयार करेंगे, इसका दरदरा पाउडर बनाएंगे। और ये हमने 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, नमक लिया है 2 बड़े चम्मच नमक लिया है, और जी हमने सरसों का तेल लिया है जिसे हमने गर्म करके ले लिया है। गर्म करने के बाद हमने इसे कुछ देर से ठंडा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले मसालों को भूनना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने एक पैन को ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें साबुत धनिया डालेंगे जिसे हल्का भून लेना है। ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। चलिए इसे चलाते हुए भून लेना है। अचार में मसाले भूनकर ही डालें जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। आप लोग इस सरल ट्रिक से मिर्च का अचार बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग इसे कोई भी दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं। चलिए गैस का फ्लेम सिम कर देते हैं। सिम गैस पे ही हमें धनिया और सौंफ को भूनना है जिससे हमारे सौंफ और धनिया जले नहीं। जब तक हमारा धनिया अच्छे से ब्राउन हो रहा है तब तक हम मिर्च को बीज से चीर कर तैयार करते हैं। इसके बीज के पार्ट को इस तरीके से हमें कट कर लेना है जिससे हमारा मसाला अच्छे से इसमें भर जाए। तो चलिए सभी मिर्चों को इस तरीके से काट कर तैयार करते हैं। तो देखिए हमारा धनिया ब्राउन हो गया है, धनिया को निकाल लेते हैं। चलिए सौंफ को भी इसी तरीके से भून लेना है। तो देखिए हमारी सौंफ भूनकर तैयार हो गई। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 2 मिनट इन दोनों मसालों को ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। तो देखिए हमने मिर्चों को भी बीच में कट लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए मसालों को पीस कर तैयार करते हैं, उसके बाद मिर्च को भरने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए दोनों मसाले को मिक्सी के जार में डाल देते हैं, पीस कर तैयार करते हैं इन्हें भी। देखिए सौंफ को भी डाल देते हैं, थोड़ी सौंफ हमें पचा लेनी है। साबुत सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इससे हमारी मिर्च बहुत टेस्टी लगती है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए इन्हें दरदरा पीस कर तैयार करते हैं। तो देखिए हमने मसालों को पीस लिया है। चलिए मसाले को मिक्स करते हैं। देखिए मसाले को हमने इस बाउल में डाल दिया है। नमक को भी डाल देते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं, ये साबुत सौंफ भी इसी में डाल देते हैं। तो देखिए मसालों में ऑयल भी डाल देते हैं जिसे हमने पहले ही गर्म करके रख दिया था। थोड़ा ऑयल हम डालेंगे, इसे मिक्स करते हैं। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। मसाले को अच्छा गीला कर लेना है जिससे हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमारा मिर्च का अचार कभी ख़राब ना हो इसके लिए हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरके से अचार कभी ख़राब नहीं होता है और ये सालों चलता है। आप लोग भी सिरका डालकर अचार बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है, ख़राब भी नहीं होता है। चलिए सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मिर्चों में मसाले को भरना शुरू करें। मिर्चों को अच्छे से भरना शुरू करते हैं, एक करके इनमें मसाला भरेंगे। आप चाहे हाथ से भी भर सकते हैं। चलिए इस तरीके से मिर्चों को भरकर तैयार करते हैं। देखिए इस तरीके से मिर्चों को भरकर तैयार करना है। चलिए सभी मिर्चों को भरकर तैयार कर लेते हैं। तो
देखिए हमने सभी मिर्चों को भरकर तैयार कर लिया है। आलू चलने वाला मिर्च का अचार बनकर हमारा रेडी हो गया है। दो तीन दिनों की दूध खाने के बाद आप इसे खा सकते हैं। आलू चलने वाली मिर्च के अचार की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को इस तरह तरीके की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारी मिर्च के अचार की रेसिपी कैसी लगी, और इसमें जो हमने सीक्रेट चीज डाली थी उससे आपकी मिर्चों का अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों चलेगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।